आमिर खान, जिनकी मूवीज का दुनिया भर के दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो इस साल बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार बिग बी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे यशराज बैनर तले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आधारित है फिलिप मेडो टेलर की नॉवल कन्फेशंस ऑफ अ ठग पे। जब ये नॉवल 19वीं सदी में ब्रिटेन की मार्केट में रिलीज हुई थी तो बेस्ट सेलर बन गई थी, और इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया ने इसे बहुत सराहा था। ठग वैसे तो उन लोगों को कहा जाता है जो बेवकूफ बनाकर पैसे लूट लें, पर ब्रिटिश इंडिया के समय के ठगों का चरित्र चित्रण कुछ अलग और बहुत ही भयावह है। आइए जानते हैं 7 रोचक तथ्य भारत के इन ठगी समुदाय के बारे में। नंबर 1, ठगी कोई और नहीं बल्कि वीरानों में छुपे हुए डाकू जो भारत के मध्य राज्य, जो कि अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां से होते थे। ये शब्द ठग संस्कृत शब्द स्थग से निकला है, जिसका मतलब है धोखा देना। ये शब्द ब्रिटेन में नॉवल की रिलीज के बाद इतना मशहूर हो गया कि वहां की आम जनता भी ठग को टग या टगी कहने लगी। नंबर 2, ठगी लोग ज्यादातर अक्टूबर से मार्च के बीच में झुंडों में अपने शिकार के लिए निकलते थे। ठगों का झुंड या तो गाने बजाने वालों की मंडली में या फिर तीर्थ यात्री बन के अपने शिकार के झुंड के साथ शामिल हो जाते थे। वो इस बात का ध्यान रखते थे कि राहगीरों का झुंड जिनको वो अपना शिकार बना रहे उससे बड़ा उनका झुंड हो। उस समय क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए साधनों की बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये ठगी इसी बात का फायदा उठाते थे। नंबर 3, ठगों के झुंड में हमेशा एक जिम्मेदार, जो कि उस झुंड का सरदार होता था, उसका काम होता था अपनी लुभावनी बातों से राहगीर को बेवकूफ बनाना और उनसे दोस्ती करना। एक दिन या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक राहगीरों के साथ सफर करने के बाद किसी एक शाम जब सब आग जला के उसके इर्द गिर्द बैठे होते थे, तो हर राहगीर के पीछे एक गला दबाने वाला और 2 साथ देने वाले चुपके से जाकर खड़े हो जाते थे। फिर जिम्मेदार कोई इशारा करता जैसे कि गुटका लाओ, और तभी गला घोट कर मारने वाला एक पीला रुमाल निकालता और शिकार के गले में डालकर उसका गला घोट देता। उसके साथ के लोग शिकार का हाथ पकड़ लेते थे ताकि वो कुछ ना कर पाए। इसी तरीके से सब राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनके शरीर पर से सब कुछ हटा देते थे ताकि उस आदमी के पहचाने जाने का कोई नामो निशान ना रह जाए। और आखिरी में शरीर को पहले से ही बनाए हुए गोला आकार के गड्ढों में इतनी सफाई से दफन किया जाता था कि किसी को कुछ न पता चले। फिर ठगी अपनी लूटपाट मचा के वहां से भाग निकलते थे। ठगी अपनी सफाई से काम करने की हरकत पे बड़ा गर्व करते थे, क्योंकि उस समय में कानून व्यवस्था के मजबूत हालात नहीं थे और संदेश के साधन भी बहुत कमजोर हुआ करते थे, तो ये लोग आसानी से बच जाते थे। कहा जाता है कि इन ठगों ने 50,000 से 2,00,000 हत्याओं को ऐसे ही अंजाम दिया। नंबर 5, 1830 के दशक में विलियम हेनरी स्लीमन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ठगों को पकड़ने और इस दहशत को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई थी। स्लीमन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएं तो वो 19वीं दशक के एक ऐसे असाधारण प्रबंधक थे जिनका नाम शायद अब बहुत कम ही लोग जानते हैं, पर उस समय पर उनको काम के प्रति निष्ठा और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा के लिए बहुत सराहा जाता था। उन्होंने ही भारत में डायनासोर के जीवाशेष के बारे में बताया। एक तरह से देखा जाए तो जंगल बुक के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। उन्होंने ही मोगली के किरदार के लिए किपलिंग को प्रेरणा दी थी। नंबर 5, स्लीमैन के ठगों को खत्म करने के अभियान के दौरान एक जेमादार जिसका नाम था आमिर अली पकड़ा गया, और बाद में चलकर अंग्रेजों ने और ठगों को पकड़ने के लिए उसे सरकारी गवाह बनने के लिए मना लिया। कन्फेशंस ऑफ अ ठग आमिर अली के ही बयानों पर आधारित है, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान उसी का किरदार निभाएंगे। अपने दिए हुए बयान में आमिर अली ने डींग मारते हुए ये भी बोला कि अगर मुझे 12 साल जेल में न काटने हुए होते तो अब तक तो मैंने 1,000 हत्याएं कर दी होती। पकड़े जाने तक उन्होंने पहले से ही 719 हत्याएं कर चुकी थी। नंबर 6, आमिर की जिंदगी ठगियों के ही बीच शुरू हुई थी, जब एक ठगी ने ही उसे बचाया था ठगियों के हमले से, जिसमें उसके माँ बाप को बेरहमी से मार दिया गया था। आमिर तब बहुत छोटा था और उसको बाद में कुछ याद नहीं था। जिस ठगी ने उसे बचाया था उसका नाम था इस्माइल।
और इस्माइल का ही किरदार मूवी में अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। इस्माइल की कोई औलाद नहीं थी और आमिर को देखकर उसे तरस आ गया और उसने उसे बचा लिया। इस्माइल ने आमिर को ठगों की बिरादरी से अलग पाला पोसा, तब तक जब तक आमिर ठगी बनने के लिए प्रण लेने लायक ना हो जाए। जब एक बार आमिर ने बहुत ही बहादुरी से एक बाघ को मार गिराया जिसने उसके गांव पे हमला किया था, तब इस्माइल को लगा कि अब मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करने के लिए तैयार है। इस्माइल ने ही आमिर को सारे ठग के पैतरे सिखाए और आगे चलकर आमिर भी एक ठगों के झुंड का सरदार बन गया। नंबर 7, ठगी के झुंड में अलग अलग धर्म और जाति से लोग रहते थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सभी। अलग धर्म के होने के बावजूद वो सब माँ भवानी यानी कि माँ काली की ही पूजा करते थे और उनका आशीर्वाद लेकर ही लूटपाट मचाने जाते थे। उनका मानना था कि माँ भवानी की खून की प्यास को ख़त्म करना उनका ही काम है। तो ये थे कुछ दिल दहलाने वाले तथ्य ठगियों के बारे में। क्या सच में ऐसे ठग रहते थे जो इतनी बेरहमी से लोगों को मारते थे, या फिर ये ब्रिटिश राज्य द्वारा सिर्फ एक कहानी है अपनी भारत पे हुकूमत की सफाई देने के लिए? क्या पता जो सरकारी गवाह थे वो अपनी जान बचाने के डर से ऐसी भयावह कहानी बनाते थे जिसे लोग डर जाएं और गुनाहगारों को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत पे निर्भर हो जाएं। इस सब का तो इतिहास ही गवाह है। पर आने वाली आमिर खान की मूवी में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस तथ्य को इस मूवी में कैसे दिखाया गया है। तो हमें इंतजार रहेगा 7 नवंबर का, जब रिलीज होगी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। और तब तक के लिए ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।